माँ पिता से केवल इंजॉय करेगी। प्रयास करिए, परंपरा जाने न पाए, हो सकता है विवाह में 10 गाड़ियां नहीं, 20 गाड़ियां नहीं, यह प्रदर्शन कम रह जाए, 1 गाड़ियों से चला जाए, बच्चा किसी तरीके से पहुंचा लीजिए, लेकिन सुंदर संस्कार करिए। अग्नि को देवता मानते उनके सानिध्य में उपस्थिति में मंगल फेरे करवाइए। विवाह की परंपराओं में शीघ्रता न बरतिए। आचार्य के द्वारा बताए गए नियमों के अनुसार विवाह संपन्न करवाइए। देखिए उत्कर्ष होता है कि नहीं होता है। महाराज कथाएं तो जब निश्चित हो जाया करती कि इनमें यदि भागवत जी की कथा बोलना है तो भागवत जी की ही परंपरा के अनुसार कथा बोलना है। महाराज यदि विवाह में वर गुस्सा करके जाता है, क्रोध में जाता है, अभिमान में जाता है, वो माई को अनाप शनाप बोल रहा है, कोई यदि वहां पर जैसे छोटी बा रहते हैं स्वागत के लिए आती हैं तो उनके कपड़े में सिकुड़न ऐसा आ जाया करता तो वो उस पर क्षुब्ध हो जाया करता है। बचिए भैया, इतने नेह में जाइए, इतने प्रेम से जाइए, इतने प्रेम से जाइए कि प्रेम मुखी वहां से वरण करके लाइए, और क्रोध में जाएंगे तो आपके साथ में क्रोध मुखी आएगी, और क्रोध मुखी का काम ही है उसके बदन से ज्वाला निकलना, और जब वह ज्वाला निकालेगी आपके भवन पर तो उस ज्वाला के आगे आप स्थिर नहीं रह पाएंगे, आपके परिवार की व्यवस्थाएं टूट जाएंगी। विवाह संस्कार है, विवाह इंजॉय नहीं। आजकल शहरों से लेकर के नगरों तक, नगरों से लेकर के गांवों तक, गांवों से लेकर के झुग्गियों तक व्यवस्था बदल गई है। विवाह किसके लिए होता है? हमारे परिवार का मंगल हो, हमारी संतानों का मंगल हो, हमारी बच्चियों का मंगल हो, हमारे यहाँ हमारे वंश की वृद्धि हो, हमारे परिवार की सैया पर अनेक सारे लोगों का धीरे धीरे जन्म होता रहे, अर्थात हमारे परिवार की वंश परंपराएं बढ़ती रहे। यदि आप उस दिन तो सावधान रहना चाहिए आपको, उस दिन तो व्यसन ना ही करें। यदि उस दिन व्यसन में जा रहे हैं तो आप नाश की प्राप्ति पा रहे हैं, और नाश की प्राप्ति, नाश हमें समझाना नहीं है क्या होता है, इतने वयस्क हम आप सब बचिए व्यवस्था। देवताओं का सुंदर यजन करिए, उन्हें साक्षी मानिए। जो विवाह में जा रहे हैं डीजे की तान पर थिरक रहे हैं ऐसे अश्लील अश्लील गानों के साथ में, हमारी बहनें, हमारी बहुएं, हमारी माताएं, वो परस्पर ऐसा उल्लास करता है जैसे लगता है कि विवाह अश्लीलत्व को परोसना नहीं है, विवाह तो संस्कार है। मां संस्कार में कितनी पीड़ा होती है बता दूं? पिता जब से बेटी जन्मती है, बेटी के जन्म के लिए शास्त्र कहता है बेटा तो पुरुषार्थ से पैदा हो जाया करता है, भाग्य से पितरों की कृपा से पैदा हो जाया करता है, लेकिन यदि किसी के घर बिटिया जन्म लेती है तो उस परिवार के सौभाग्य से जन्म लेती है, सौभाग्य से जन्म लेती है। बेटी केवल बेटी नहीं है, बेटी एक पिता का हृदय होती है, बेटी पिता का हृदय है, हृदय प्राण है। बेटे के द्वारा तो वह लोक में, वह केवल अपने परिवारी जनों में, अपने गांव तक सम्मान पाता है, लेकिन पिता यदि बिटिया सुयोग्य हो जाए, स्नेही हो जाए, मांगल्य हो जाए तो उसका पिता, उसके परिवारी जनों भैया अपने ही समाज में नहीं दूर देश में प्रतिष्ठित होते यही कहते हैं इनके परिवार का क्या सुंदर संस्कार है, जब से इनकी बिटिया आई है मेरे यहाँ इनका आनंद ही आनंद है, ऐसा नेह जगाओ बच्चियों। ये विवाह भोगों को वाद नहीं है, यह विवाह कथा सुनाने नहीं बैठा, लेकिन यह विवाह के प्रसंग इसके कारण में कल देखा है। नाच गाने थिरकने को विवाह नहीं कहा जाता,
उछल उछल करके कूदने को विवाह नहीं कहा जाता। विवाह तो एक संस्कार है और संस्कार को सावधान होकर के करिएगा। जैसे विद्या प्राप्त करना, विद्या कितनी सावधानी से पाई जाती है जानते हैं कि नहीं? हम अपने जीवन के उस समय को व्यतीत करते हैं विद्या प्राप्त करने के समय, जबकि शरीर के अंगों का वर्धन होने लग जाया करता है। और सबसे यदि कहीं अध्ययन करिएगा, कोई आयु ग्राह्य करने की, बढ़ने की, योग्य बनने की सबसे अच्छी आयु है तो वह लेकर के 12 से लेकर के 27 की आयु कही गई है। यदि इनके बीच में आप में व्यसन नहीं आया तो जीवन पर्यंत चाहे जितनी संगति आपकी बिगड़ जाए, 27 के बाद फिर व्यसन का प्रवेश आप में होने वाला नहीं है। उसी समय यदि हम विद्या से भटक जाया करते हैं तो हमें विद्या नहीं आया करती, भटकाने के मार्ग, क्योंकि उस समय तो इंद्रियां हमारी, हमारे अंगों में विवर्धन होता रहता है। हम लोकेशन में, लोक आकर्षण में, देह आकर्षण में, सौंदर्य आकर्षण में, यौवन के आकर्षण में हम यहां वहां सावधान रहिए। यदि पीढ़ियों में देना है तो सिखाइए। विवाह होंडा सिटी नहीं करती, विवाह तो वेद मंत्र से होता है। विवाह अनेक सारी पुष्कल राशियां नहीं करती। बेटा हो बेटी हो, कदाचित शास्त्र आज्ञा नहीं देता किसी से याचना करना, मांगना। मांगना तो परमात्मा से ही मांगना। रुकिए, ठहरिए, सोचिए, तब आगे की यात्रा को करिए। और तो और हम ऐसा जाने, डीजे नहीं आएगा कोई बात नहीं है, छोटे बाजे में संकट ध्वनि के मध्य में माताएं जो मंगल मंगल गीत गाएंगी उनके बीच में हम सरसता पूर्वक अपने संस्कारों की पूर्ति कर लेंगे। हाँ, जितना हो सके व्यसनियों को दूर करिए संस्कार। हाँ, उसके बाद तुमको व्यसन करवाना है उनको तो बैठा दो एक समाज में, कर लो भाई व्यसन। उत्सव उत्सव नहीं है, विवाह संस्कार है, संस्कार है।